हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीसीएस की तरफ से लेटेस्ट ऑफ कैंपस ड्राइव अपॉर्चुनिटी के बारे में, जहां पर आपको बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस पर्टिकुलर हायरिंग से डायरेक्टली सिलेक्शन मेल मिला है। इसका मतलब क्या है, उनका कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, उन्होंने सिर्फ टीसीएस की एग्जाम दी है। एग्जाम के डायरेक्टली बाद बिना इंटरव्यू के डायरेक्टली उन्हें ऑफर लेटर जो है टीसीएस ने प्रोवाइड किया है। तो इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करना है, ए टू जेड सभी चीजें के बारे में बताने वाला होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि टीसीएस की एग्जाम देके बैठे, लेकिन उन्हें अभी तक के कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल मेल नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम दे रहे हैं एंड 1 वीक के अंदर उनको जो है उनका जो ऑफर लेटर है डायरेक्टली टीसीएस की तरफ से मिल जा रहा है। तो ए टू जेड सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले, प्रूफ के साथ में आपको सभी चीजें दिखाने वालों, टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पे आपको दिखाने वालों कि किस तरह से कैंडिडेट्स ने एग्जाम दी एंड कितनी जल्दी उन्हें ऑफर लेटर मिल गया विदाउट एनी इंटरव्यू। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है एंड गाइस आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे ऑफ कैंपस ड्राइव रिलेटेड वीडियोस देखने मिल जाते हैं, तो आप सभी वीडियोस जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हो, मैं आपको प्लेलिस्ट सेक्शन दिखा देता हूँ। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको सभी कंपनी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट देखने मिल जाती है। केपजेमिनी, केपजेमिनी इंटरव्यू, इन्फोसिस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, इन्फोसिस एसई, ओके, डेलॉइट वी प्रो, सभी की आपको स्पेशली प्लेलिस्ट देखने मिल जाती है। तो आप ये सभी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस टीसीएस से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है टीसीएस हायरिंग, टीसीएस एनक्यूटी, ओके, तो ये सभी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस देखने मिल जाते हैं। तो आप जरूर से जरूर इन वीडियोस को चेकआउट कीजिए। अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, कैंडिडेट को कुछ इस तरह का मेल आया। जैसे कि आप यहाँ देख, अगर आप देखने जाओगे तो आपको देखने मिलेगा, कांग्रेचुलेशन, वी आर डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड अवर इनिशियल सिलेक्शन प्रोसेस, वी आर प्लीज टू शेयर द टीसीएस ऑफर लेटर विद यू। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्हें डायरेक्टली टीसीएस की तरफ से ऑफर लेटर प्रोवाइड किया गया है और ये जो ऑफर लेटर है नेक्स्ट पोर्टल पर अवेलेबल होने वाला है। तो नेक्स्ट पोर्टल से आपको डाउनलोड करना होता है। किस तरह से डाउनलोड करना होता है, यहाँ पे आपको लिंक दी जाती है, लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल अपियर होता है, उस पर आपको लॉग इन करना होता है। उसके बाद आपको ऑफर लेटर सेक्शन पे जाके ऑफर लेटर जो है वो डाउनलोड करना होता है। और एक बार आप एक्सेप्ट कर लिया तो आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, एंड ऑफर लेटर जो होता है, अगर आपको ऑफर लेटर आज अलॉट हुआ है तो आपको 7 डेज के अंदर जो है ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होता है, या तो वो नहीं तो वो रिलैप्स हो जाता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको 7 डेज के अंदर ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है। अब उन्हीं का मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट पोर्टल पे अकाउंट दिखा देता हूँ। ट्रैक में एप्लीकेशन पे आप जैसे ही जाओगे तो देख सकते हो 31 दिसंबर को उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। 31 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन किया उनका, उनके बाद फिर एप्लीकेशन भी उन्होंने 31 को कंप्लीट कर दिया एंड अप्लाई फॉर ड्राइव भी कर दिया। तो तीनों एक ही दिन में उन्होंने तीनों प्रोसेस कर ली, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन भी कंप्लीट कर लिया एंड अप्लाई फॉर ड्राइव भी ऑप्शन था उनका शो हो रहा था, तो वो भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इतना कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो एग्जाम थी वो शेड्यूल की गई थी 12th of January को। आप आज की 17th of January है, उनकी 12th of January को एग्जाम हुई थी। 12th of January को उन्होंने एग्जाम दी और एग्जाम होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 12th of January को एग्जाम हुई एंड 2 ही दिन में यहाँ पे बैच स्टेटस शो होने लग गया। ओके, बैच स्टेटस क्या होता है गाइस, अगर आप कैंडिडेट बैच यहाँ पे शो होता है, स्टेटस में बैच शो हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपके इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू जो है, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो, आपने एग्जाम क्रैक कर दिया है। ओके, तो इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली रहती है तब आपको बैच स्टेटस शो होता है। इसका मतलब आप एग्जाम जो टेस्ट दी थी, आपने असेसमेंट दी थी, वो आप क्लियर कर चुके हो, तो आपका बैच स्टेटस शो हो गया। उसके बाद 14 जनवरी को इनका बैच स्टेटस शो हुआ एंड इनका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ, इन्हें डायरेक्टली ऑफर लेटर जनरेट कर दिया गया। जैसे कि आप देखते हो, देख सकते हो 14 जनवरी को इन्हें डायरेक्टली ऑफर लेटर मिल गया बिना किसी इंटरव्यू के। ओके, यहाँ पे आपको क्लियरली देखने मिलता है कि बैच स्टेटस के बाद डायरेक्टली ऑफर जनरेट हो गया, नहीं तो आप बाकी यहाँ पे नोटिस करते हो, बाकी अगर कहीं आप दूसरा का नेक्स्ट पोर्टल स्टेटस चेक करोगे तो आप देख सकते हो बैच स्टेटस शो होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू क्लियर होने के बाद ऑफर लेटर जनरेट होता है। तो इस तरह से बहुत टाइम लगता है, बैच और ऑफर लेटर का जो डेट है कभी सेम नहीं होता है, लेकिन इन्हें ऑफर लेटर ही मिल गया डायरेक्टली बैच स्टेटस के बाद, इसलिए इनको सेम डेट है, क्योंकि इनका इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं करवाया गया, डायरेक्टली ऑफर लेटर जनरेट हो गया। टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल भी यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफर लेटर भी इनका अवेलेबल है, यहाँ पे आपको मेल भी देखने मिल जाता है टीसीएस की तरफ से। साथ साथ आप देख सकते हो, मैं आपको ऑफर लेटर भी दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपकी उनकी पर्सनल डिटेल्स है जो कि मैं नहीं शो कर सकता, तो वो मैंने हाइड कर दिए। एंड देख सकते हो असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग की जॉब रोल है, जहाँ पे 3.36877 पर एनम का यहाँ पे इनको पैकेज प्रोवाइड किया गया है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे ऑफर लेटर में उनको आपको देखने मिल जाती है। तो इस तरह से गाइस टीसीएस की तरफ से हायरिंग अपॉर्चुनिटी में
अप्लाई करते हो आप तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू सिलेक्शन के चांसेस है। विदाउट इंटरव्यू सिलेक्शन टीसीएस डायरेक्ट ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रही है। ओके, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो टीसीएस की हायरिंग है, यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है टीसीएस ऑफ कैंपस फॉर ईयर ऑफ पासिंग 2019 2020 एंड 2020-21। ओके, सो यहाँ पे गाइस देख सकते हो 19 20 2020 एंड 2021 पास आउट बैच अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कैंडिडेट थे जिन्हें ऑफर लेटर प्रोवाइड किया गया वो 2020 बैच से थे, एंड बहुत सारे 2021 वाले भी कैंडिडेट्स हैं। मुझे रिसेंटली बहुत सारे मैसेज आए हैं जो जो कैंडिडेट्स को डायरेक्टली टीसीएस ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रही है। अब वो किस बेसिस पे प्रोवाइड कर रही है वो तो सिर्फ टीसीएस को ही पता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीसीएस डायरेक्टली कुछ कैंडिडेट्स को एग्जाम के बाद ही ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन स्टेटस ओपन है, इसका मतलब आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए रजिस्टर कर सकते हो। टेस्ट डेट की बात कर ली जाए तो टेस्ट डेट ऑन गोइंग है, टेस्ट डेट ऑन गोइंग है मतलब टेस्ट चल रही है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी ओपन है। अब ये कब क्लोज हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेट मेंशन नहीं की गई है, एंड टेस्ट डेट भी ऑन गोइंग है। अगर आप रजिस्टर करते हो फिर आपका टेस्ट डेट आपकी शेड्यूल हो जाती है टेस्ट, उसके बाद आपको इंटरव्यू डेट टू बी अनाउंस पोस्ट टेस्ट रिजल्ट, तो टेस्ट रिजल्ट के बाद इंटरव्यू डेट अनाउंस होती है। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूं बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे डायरेक्टली ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट एनी इंटरव्यू। ये ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी 19-20-2021 बैच के लिए, जहां पर बी बी टेक एम ई एम टेक एम सी एन एम एस सी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग टेस्ट विल कमेंस फ्रॉम 8 नवंबर ऑनवर्ड्स, तो ये जो हायरिंग है 8 नवंबर से चालू है गाइस, टू इनवाइट इमीडिएट ज्वाइनर्स। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूस बैचेस डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। ओके, सो गाइस देख लो, देख रहे हो आप द टेस्ट जो है वो कंटिन्यूस बैचेस में कंडक्ट की जाने वाली है, एंड यहाँ पर इमीडिएट ज्वाइनर्स को इन्वाइट किया जाएगा, इमीडिएट ज्वाइनर्स को इन्वाइट किया है कि आप टेस्ट दीजिए अगर आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो तो। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाना है, हियर पे क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह का वेब पेज अपेयर होने वाला है, उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको आईटी कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। ओके, आप आईटी पे क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके सामने टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, जहां पे आपको टाइटल ऐड कर देना है मिस्टर मिसेस, ओके, फर्स्ट नेम मिडल नेम सरनेम ऐड कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है, जेंडर ऐड करना है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं ये जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो वो बाद में चेंज नहीं होते हैं। फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे इसके रिगार्डिंग कि मैंने गलत नेम ऐड कर दिया या इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप सभी चीजें प्रॉपरली ऐड करो, डेट ऑफ बर्थ डाल लिया, जेंडर डाल लिया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर आपके कॉलेज का नाम ऐड करना है, आपका क्वालिफिकेशन ऐड करना है, आपने जो भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है, आपका ईयर ऑफ पास आउट किया है, फिर नियरेस्ट टेस्ट लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली एक टेस्ट लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, वैसे तो एग्जाम ऑनलाइन ऑनलाइन भी दे सकते हो आप, ऑनलाइन ही एग्जाम हो रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन ही दे रहे हैं, आपको टेस्ट लोकेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन नहीं हुई तो आप ऑफलाइन के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी अपने अकॉर्डिंगली पासवर्ड चूज कर सकते हो, सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर लेना है, फिर उसका आंसर, फिर यहाँ पे ये कैप्चा टाइप करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, फिर आपको क्या करना होता है, जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, देख सकते हो, फिर आपको टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड, और यहाँ पे आपको डेट देखने मिल जाएंगी जब भी आप रजिस्टर करते हो तो। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने मिल जाता है, तो उस एप्लीकेशन के ऑप्शन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी फिलअप करनी होती है, जैसे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हो गई, डिटेल में ऐड करना होता है, आपका नेम, एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपका 10th का, 12th का, अंडर ग्रेजुएशन का, सभी डिटेल्स ऐड करनी होती है, फिर आपको फोटो ऐड करना होता है, रिज्यूमे ऐड करनी होते हैं, इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स फिलअप करनी होती है, उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाए अगर आप पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो तो। फिर अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन होता है, जो कि आपको अप्लाई फॉर ड्राइव जो एक्सेप्ट करना होता है, अप्लाई फॉर ड्राइव एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो है एग्जाम देनी होती है, आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल हो जाता है। जैसे ही एग्जाम आपका शेड्यूल हो जाता है, एग्जाम देते हो तो बैच स्टेटस शो होता है, बैच स्टेटस के बाद जनरली इंटरव्यू होता है, लेकिन कुछ टाइम से कुछ कैंडिडेट्स को बैच स्टेटस के बाद डायरेक्टली ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मैं आपको ए टू जेड प्रूफ के साथ सभी चीजें दिखा चुका हूँ, ऑफर लेटर मेल भी दिखा चुका हूँ, ऑफर लेटर जो रिसीव्ड हुआ है वो भी दिखा चुका हूँ, एंड उनके टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है गाइस, जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ बता चुका हूँ। तो गाइस बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, आप टीसीएस की इस ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। ओके, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो, चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।